हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन। सो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स का मेरे पास बार बार आ रहा है सर। क्वेश्चन क्या कह सकते हैं सर, एक कंसर्न बार बार स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही। अब सर सिचुएशन इतनी ज्यादा कह सकते हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हर जगह आ गई है सर, पढ़ाई नहीं हो रही। दिन पे दिन लॉकडाउन की एक्सटेंशन होती जा रही है। अब लॉकडाउन का थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है सर, 4 मई से लॉकडाउन का थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा। प्लस हमारे इंस्टीट्यूट भी बार बार एग्जाम को क्या करे जा रहे हैं सर, पोस्टपोन करे जा रहे हैं। जैसे अभी मैं सीएमए के इंस्टीट्यूट की बात करूं, उन्होंने कल परसों में एग्जाम पोस्टपोन करे, आज सीए इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जो कि अब जुलाई एंड या अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं जी। तो अभी मैं उस डेट्स पे नहीं आ रहा, अगर वो डेट्स आपको चाहिए तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हो। इंस्टीट्यूट ने आईसीएआई ने एग्जाम्स को कर दिया जी पोस्टपोन। कंसर्न क्या है सर, पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत नेगेटिविटी है सर, मन नहीं करता पढ़ने का। देखिए इस टाइम पे पढ़ाई ना होना ये एक जेन्युइन कारण है, ये एक जेन्युइन कारण है सर। आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, मैं अगर अपनी बात करूं, इतनी नेगेटिविटी आसपास हो गया सर, मेरा भी मन नहीं करता रिकॉर्डिंग करने का, वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का, कोर्स को रिकॉर्ड करने का, नोट्स बनाने का, बुक प्रिपरेशन करने का सर, मेरा खुद मन नहीं करता। क्योंकि बैठे बैठे, घर बैठे 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 इतना ज्यादा बॉडी में आलस आ गया है सर, मन नहीं करता उठने का। लेकिन लेकिन सर अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा तो सर मेरी तरफ से बहुत गलत चीज हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत गलत मैसेज जाएगा स्टूडेंट्स को। तो सर मैं आपको भी यही बोलूंगा, डीमोटिवेशन तो है सर हर जगह, लेकिन आप उसको ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द मोटिवेशन, इसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए सर। मैं इतना बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छी मोटिवेशन मैं नहीं देता, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। लेकिन फिर भी सर मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरे रियल लाइफ या जो एक्सपीरियंस मैंने फेस करी है या जो सिचुएशन मैंने फेस करी है या कर रहा हूं, वो सब मैं आपके साथ आपके सामने शेयर करता हूं, ताकि आपको भी जो चीज मैं करता हूं वो सॉल्यूशन आपको भी मिल पाए। सर मैं क्या करता हूं, मैं जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कम, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि जिस टाइम पे भाई आजकल सब लोग खाली बैठे हुए क्या करें सर, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, पूरे दिन व्हाट्सएप फेसबुक के सर मैसेजेस खत्म नहीं होते। तो सर जिस टाइम पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ज्यादा सर, उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए पढ़ना। दिन का टाइम देखो, दिन में सब 12 बजे के बाद देखा जाए तो सर आजकल सब लोग 10 11 12 बजे उठ रहे हैं रियल लाइफ में, तो 12 बजे से लेकर शाम के 8 9 बजे तक सर दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन इनबॉक्स बिल्कुल फुल हो चुका है व्हाट्सएप के मैसेजेस मैसेज मैसेज। सर मेरी बात मानिए, 12 बजे से लेकर 4 5 बजे तक, 6 बजे तक पढ़िए मत। सर ये क्या बोल रहे हो सर, हम कह रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही, आप खुद ही कह रहे हो पढ़िए मत। सर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कोशिश कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत पढ़िए, कोशिश कीजिए कम पढ़ाई करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई 6 12 से 6 बजे तक 6 घंटे कोई ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपको कम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें अकाउंट्स अच्छे से आती है, या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से आती है, एफएम अच्छे से आती है, तो 12 से 6 उन 6 घंटों में आप वही सब्जेक्ट पिक कर लीजिए जो आपको अच्छे से आता है, और खास करके वो प्रैक्टिकल होना चाहिए सर। थ्योरी उठाएंगे, लॉ उठाएंगे, टैक्स उठाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बनेगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, सब घर वाले घर में बैठे हैं सर, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगी होगी। तो उन 6 घंटों में आप वो सब्जेक्ट उठा लीजिए जिसमें आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये तो मेरे को अच्छे से आता है, तो उसको जैसे आपको रिवाइज करना है। अगर आप 6 घंटे लेके बैठेंगे तो सर मान के चलिए मेरी बात, 6 घंटे में 100% आउटपुट इस टाइम पे नहीं निकलेगा। आउटपुट कितना निकलेगा, आउटपुट आपका निकलेगा सर आधा, 50 60%, मतलब 6 घंटे की पढ़ाई में आप 3 से 4 घंटे का ही आउटपुट निकाल के चलेंगे। तो इसलिए आप वो सब्जेक्ट उठा लीजिए इस टाइम पे जो आपको अच्छे से आता है, सो दैट बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो दैट आप उसके क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और सर आपकी पढ़ाई भी हो गया और आपने डिस्ट्रैक्शंस को भी झेल लिया। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा है तो सर उसको या तो अर्ली मॉर्निंग उठा लीजिए या उसको लेट नाइट उठा लीजिए, क्योंकि सर उस टाइम पे मैसेजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग देखा जाए, अगर 4 5 बजे उठने की आदत है आपको तो सर 4 5 बजे तो कोई मैसेजेस है नहीं, लेकिन अगर नाइट में उठाएंगे तो फिर भी इस समय लोग खाली बैठे हुए हैं तो सर मैसेजेस वगैरह होंगे, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। क्या सेल्फ कंट्रोल? ये लेके आना पड़ेगा कि मैं मोबाइल को बंद करके पढ़ाई करूं। देखिए आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो,
यू आर स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, तो सर आपको चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। ये तो एक छोटा सा चैलेंज है कि सर लॉकडाउन हो चुका है कंट्री में और एग्जाम्स बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं, हम अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे कि हम करें तो करें क्या। कभी सुनने में आता है कि एग्जाम्स नहीं होंगे, कभी सुनने में आता है एग्जाम्स होंगे। तो सर ये तो बहुत छोटा सा चैलेंज है, आगे जाके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एंटर करोगे सर, हर रोज एक नया चैलेंज है, हर रोज एक नया चैलेंज है। तो यहां से आपको और अच्छी प्रिपरेशन मिल रही है कि मुझे चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं पूरा भी यहाँ टाइम टेबल नहीं बता रहा, लेकिन जो वो टाइम पीरियड डिस्ट्रैक्शन का होता है 12 से 6 का, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, वहां पर आप वो पेपर उठा लीजिए जो आपको अच्छे से आता है, वो आपकी पसंद का पेपर हो, प्रेफर करिएगा प्रैक्टिकल पेपर। और बाकी के सब्जेक्ट्स आप लेट नाइट पढ़ें, अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, सर उस टाइम पे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहें तो 12 से 6 में आप सो भी सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो सर 12 से 6 में आप नींद लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपका आउटपुट और ज्यादा, यू विल बी मोर एंड मोर एफिशिएंट, आपकी एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ के आ जाएगी। तो सर घबराना नहीं है, नेगेटिविटी मत फैलाओ, ना अपने अंदर नेगेटिविटी रखो ना दूसरों में फैलाओ। इस समय बच्चे और ब्लंडर क्या करें सर, आसपास में दोस्तों, तो भाई खाली बैठे हुए दोस्तों से बातें कर रहे हैं और सर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कह रहे कि पता नहीं पेपर होंगे नहीं होंगे, मेरा तो मन नहीं करता पढ़ने का। अरे भैया आपका मन नहीं करता तो दूसरों को तो पढ़ने दो, जो बेचारा पढ़ रहा है उसको तुम ऐसा बोल रहे हो कि मेरा मन नहीं करता पढ़ने को, तो ऑब्वियसली सर उसको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, तो बी स्मार्ट, स्मार्ट पर्सन बनिए सर, नेगेटिविटी को अपने अंदर से भगाइए, कोई और नहीं आएगा सर आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकालने के लिए, आपको खुद को अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। नेगेटिव सिचुएशन है, माहौल नेगेटिव है, लेकिन सर आपको निकालनी पड़ेगी नेगेटिविटी। इस टाइम पे आप सर थोड़ा भगवान को याद कर सकते हो सर, मतलब गॉड, यू हैव टू बी मोर गॉड लविंग सर, भगवान के कुछ भजन सुन लीजिए या कोई भगवान की सीरीज देख लीजिए या कोई बुक पढ़ लीजिए। जैसे इस समय भगवत गीता पढ़िए आप, आई थिंक किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, सर भगवत गीता पढ़िए, यू विल बी मोर मोटिवेटेड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। नहीं तो सर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो सर आपको आगे जाके काम आएंगी। जैसे आजकल मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, थोड़ा शेयर मार्केट के ऊपर, थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ रहा हूँ, तो सर आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीजों के बारे में पढ़िए, या जिस भी चीज में आपका मन करता है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो पढ़िए। कुछ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जैसे अभी मैं पीछे एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर नाम की एक ऑटोबायोग्राफी है, आई होप कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो, विंग्स ऑफ फायर सर ट्रिमेंडियस बुक, ट्रिमेंडियस बुक, वो पढ़िए सर, आपको बहुत कुछ लाइफ के बारे में पता लगेगा सर। वॉरेन बफे की बुक्स पढ़िए अगर इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला की पढ़िए कि उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी, और भी कई सारी चीजें आप स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ सकते हैं सर, कुछ ना कुछ। अब बात आती है सर बुक्स कहाँ से मिलेगी, अरे भैया सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, अब्दुल कलाम जी की आप गूगल पे सर्च करेंगे सर आपको पीडीएफ में बुक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल पे पढ़िए, अपने लैपटॉप पे पढ़िए सर, पढ़िए जरूर पढ़िए अपने कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि इस समय आपको क्या चाहिए सर, पढ़ाई तो हो जाएगी, पढ़ाई तो कर भी रहे हैं, पूरे दिन किताबों में लगने से कुछ नहीं होगा, बेवकूफी है। कुछ अपना टाइम निकाल के अपने माइंड को रिलैक्स भी कीजिए, कुछ नई चीजें सीखिए, यही टाइम ऐसा है, क्योंकि सर ऐसा टाइम बार बार नहीं आता। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस टाइम को नेगेटिव बनाना चाहते हैं या इस टाइम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है सर। पहला फोकस एग्जाम ही रहना चाहिए, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ने दोबारा पोस्टपोन कर दिए एग्जाम, तो पूरा पूरा इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि मैं एग्जाम्स को कंडक्ट करूंगा ही करूंगा। अब आगे जाके क्या होता है, देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मान लो आगे जाके फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, कल को मेरी बातों पर ये मत कह देना कि सर आपने बोला था ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, सबके अपने ओपिनियन होते हैं। मान लो कल को जाकर सर लॉकडाउन का फोर्थ फेज भी आ जाता है, मतलब 17 मई से भी आगे लॉकडाउन जाता है, अगर सिचुएशन खराब होती है तो सर इंस्टीट्यूट हो सकता है एग्जाम्स को फर्दर डिसमिस भी कर दे, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट के ऊपर बाउंडेशन है, वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि मैं 17 मई को लॉकडाउन खोल दूंगी, 17 मई तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो सर हाउ कैन इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट की भी सर मजबूरी समझिए, वो कैसे एग्जाम को डिसमिस कर सकते हैं, उनको तो फर्दर अनाउंसमेंट लानी ही पड़ेगी। तो सर आप मान के चलिए कि एग्जाम्स होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, एज पर द योर कोर्स, चाहे वो सीएससीएमए हो, अपनी डेट शीट सबको इस समय पता ही है, सीएससीएमए में तो मेरे ख्याल से अभी डेट शीट आई भी नहीं है, तो आ जाएगी वो डेट शीट, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने डेट शीट निकाल भी दी है, तो सर अपनी डेट शीट को स्टडी कीजिए सर। अब आपके पास और ज्यादा टाइम है, अगर मैं सीएससीएमए की बात करूं तो सर आपके पास लगभग 2 महीने है, सीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो सर 2.5 से 3 महीने आपके पास पढ़ाई के लिए, तो सर आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तब भी पास हो सकते हो, तब भी पास हो सकते हो,
मतलब कुछ भी नहीं पड़ेगा, मतलब है कि अभी तक आपने रिवीजन शुरू ही नहीं करी, अभी तक आप मस्ती भी मार रहे थे सर, आज भी अगर आप स्टार्ट कर दो तब भी पास हो सकते हो सर, मुझे अभी भी। एक और क्वेश्चन बच्चों के माइंड में क्या आएगा कि सर मैंने सिंगल ग्रुप के लिए एग्जाम, मैंने सिंगल ग्रुप ऑप्ट किया था, मतलब सिंगल ग्रुप के लिए मैंने एग्जाम फॉर्म भरा है, क्या अब मैं बोथ ग्रुप्स दे सकता हूँ, क्या मतलब सेकंड ग्रुप दे सकता हूँ या फिर मैं अपना ग्रुप चेंज कर सकता हूँ? देखिए सर ऐसा इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज उनके सर कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको इंस्टीट्यूट ओवरराइड नहीं कर सकता, तोड़ के नहीं चल सकता। हाँ अगर आप एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए विंडो इंस्टीट्यूट जरूर ओपन कर देगा, जैसे उन्होंने पहले भी किया था, तो अब फिर वो करेगा, लेकिन ग्रुप चेंज करना है या बोथ ग्रुप देने तो ऐसा कुछ भी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करने वाला और सर होना भी नहीं चाहिए। अब क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा सर पेपर तो होने वाले हैं अगस्त में, देखा जाए तो अगस्त में ही पेपर है सर, तो रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए अगस्त में अगर पेपर है तो इंस्टीट्यूट अब ज्यादा टाइम ना लेके सितंबर एंड तक, मैक्सिमम सितंबर एंड तक रिजल्ट निकाल देगा। तो सर सितंबर एंड में रिजल्ट निकाल दिया, सितंबर भी गया एक तरीके से, तो सर क्या नवंबर में ग्रुप टू के एग्जाम, मतलब नवंबर में फिर दोबारा एग्जाम हो सकते हैं? देखिए इसके ऊपर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अगर तो इंस्टीट्यूट जुलाई अगस्त में पेपर कराता है ग्रुप वन के, क्योंकि सर अभी सिचुएशन का कुछ नहीं कह सकते, अगर इंस्टीट्यूट जुलाई अगस्त में पेपर कराता है ग्रुप वन के, तो सर इंस्टीट्यूट उस नवंबर अटेम्प्ट को आगे बढ़ा के सर वो दिसंबर या जनवरी में करवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में करवा देगा। अब बात आती है सर क्या मैं ग्रुप टू की प्रिपरेशन करना शुरू कर दूं अभी, क्योंकि टाइम तो फिर उसके बाद बचेगा नहीं, क्या मैं ग्रुप टू की प्रिपरेशन शुरू कर दूं? आंसर इज अ बिग नो, अ बिग नो, ध्यान से सुनना मेरी बात सर, बिल्कुल भी मत करना। अब जब तक कि ये अटेम्प्ट डिसमिस ना हो जाए, अगर डिसमिस हो जाएगा तो फिर तो आप सर ऑब्वियसली बाद में बोथ ग्रुप भरेगा भरिएगा, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सर अभी बीच में पंगे ये मत डालिए कि मैं ग्रुप टू भी शुरू कर देता हूं उसको पढ़ना, सर माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ग्रुप टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, चाहे आपने एक भी पेपर उठा लिया, एडवांस अकाउंटिंग उठा लिया, फाइनल के बच्चों ने ग्रुप टू का कोई भी पेपर उठा लिया, तो सर दिक्कत आ जाएगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जो मेहनत आपने ग्रुप वन में पढ़ी करी हुई है, जो माइंड में आपने प्रोविजंस ग्रुप वन के डाल रखे हैं, तो सर वो स्किप होना शुरू हो जाएंगे। तो सर ऐसी बिल्कुल भी गलती मत करना। हाँ पेपर खत्म होने के बाद फिर तो आपको ग्रुप टू पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी बीच में ग्रुप टू की पढ़ाई को स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल मत करना, ये पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। मैं डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट, जो सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ता था, एक बहुत ही फेमस टीचर से, सर देखिए पहले मैं बोल देता हूँ, मैं किसी टीचर की मार्केटिंग नहीं कर रहा, जिन टीचर का मैं नाम लेने जा रहा हूँ मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट पे करता हूँ उनको, मिस्टर विनोद गुप्ता जी जो कि सर नामी फैकल्टी है दिल्ली में। सो सर और कोई अगर डायरेक्ट टैक्स टीचर पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा जो पढ़ाता है डायरेक्ट टैक्स, वो अगर वीडियो देख रहा हो सर, आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मत फील करना कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, सर मैं उनसे पढ़ा था, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो सर मेरे को कुछ उनकी बातें अच्छी लगती है तो मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं अपनी वीडियो में सर प्रवीण शर्मा सर के नाम लेता हूँ क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हूँ, मैं वीजी सर से पढ़ा हूँ मैं उनका नाम लेता हूँ। सर वीजी सर बोलते थे कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था, तो सर ये तो सीए एग्जाम से, ये तो सीए एग्जाम है जिसमें जिसको पास करने के लिए आपके पास चार चार तीन तीन चार चार महीने होते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप तो कितनी महाभारत कर सकते हो। तो सर जब महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था तो आपको तो जस्ट एक सीए एग्जाम थी तो पास करनी है, तो सर यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो, सीए सीए सीएमए के कोर्स में आ रहे हो तो सर आप लोगों के अंदर इतना कैलिबर है कि आप हर मुश्किल सिचुएशन को, हर टफ सिचुएशन को झेल सकते हो, ठीक है जी। तो हाथ जोड़ के मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि सर आप लोग मेरी बातों को मानेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सर इसको लाइक जरूर कर देना, जो जो भी इस समय थोड़ा डिप्रेस सिचुएशन में है या जो जिनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आपके दोस्त ऐसे होंगे आप लोगों को पता होगा, तो सर उनको शेयर करना। एक तो इस समय ना मतलब बच्चों की क्या मेंटेलिटी होती है सर, अपनी मतलब कोई अगर उनको ज्ञान की बात या फायदे की बात मिलती है सर अपने तक रखते हैं, आगे नहीं बताते, सर ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है तो सर नॉलेज हमेशा बांटनी चाहिए, नॉलेज बांटने से सर नॉलेज और गेन होती है, एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो सर इस वीडियो को जरूर एंड जरूर शेयर करोगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, लाइक टारगेट रख लेता है सर इसका, लेट अस से 500, अभी मैं देखो बहुत बड़ा चैनल पे नहीं आया हूँ, मेरे चैनल पे से भी छोटा ही है, तो सर आप लोगों का प्यार है, 1300 के आसपास सब्सक्राइबर मेरे अभी हैं, तो सर आप लोग प्यार देते रहेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ते चले जाएंगे, तो 500 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ, 1300 में से 500 बच्चे तो लाइक कर ही देंगे, 500 बच्चे तो मुझे पसंद करेंगे करेंगे, और अगर आप और आगे भी शेयर कर सकते हो सर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके लाइक्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है।
तो सर देखो, हर इंसान ना आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो सर आप कुछ लोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं कुछ शेयर करूंगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो सर बी मोटिवेटेड, बी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है सर। अपने आप को खुद को मोटिवेट करना सीखिए। मैं भी सर इस समय एक डिप्रेस सिचुएशन में आ जाता हूँ, कभी कभी मन नहीं करता काम करने का, तो सर रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से फोकस करता हूँ अपने फ्यूचर की तरफ कि सर मैंने फ्यूचर में अपने लिए क्या सोच रखा है, अपनी फैमिली के लिए क्या सोच रखा है। आप लोग ने भी कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, तो सर उन ड्रीम्स को रिकॉल कीजिए, उन ड्रीम्स को लिखिए सर, अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए, अपने आप ही सर आपका मन कर जाएगा पढ़ने का। ठीक है जी, तो आई होप सो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।